आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा आहार है वो सबसे अधिक किसके ऊपर ध्यान देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला को पहले से ही, मतलब पहले दिन से ही सही आहार की आवश्यकता रहती है। उसका आहार संतुलित हो, नैसर्गिक हो, घर में बनाया हुआ ताजा हो, और पहले 3 महीने में ही बच्चे के मस्तिष्क का भी डेवलपमेंट होती है, तो पहले 3 महीने बहुत जरूरी होते हैं देखभाल करने के। अब एक तो सबसे पहले कि माँ का जो वजन है पहले से सही होना चाहिए, कम से कम 45 से लेकर 55 किलो तक वजन हो तो अच्छा है, और 9 महीने में वो वजन कम से कम 10-11 किलो बढ़ना चाहिए। पहले 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, उसमें उसके आहार में प्रोटीन्स होना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि दाल नहीं खाई जाती, कि प्रोटीन्स का सबसे आसान जो सोर्स है वो है दाल का, तो दाल प्रतिदिन दोनों समय वो खाए, प्रतिदिन सब्जियां रहे, कुछ फल खाए, थोड़ा सा घी तेल की भी आवश्यकता होती है। घी तेल नहीं खाया जाता है, जहाँ की गांव में वगैरह थोड़ा घी और तेल कम मात्रा में हो जाता है, तो ये पूरा आहार उनको यदि संभव होता है, नाश्ता नहीं लेती है वहां की औरतें, तो नाश्ते में यदि हल्का सा थोड़ा सा, हम कहते हैं कि ज्वारे की जो रोटी बनाते हैं ना वो भी खाने से चलता है, लेकिन ऐसे ज्वारे की जिसमें जब पिसवाते समय उसमें थोड़ा काला उड़द डालना चाहिए, उड़द की दाल जो काली होती है ना साबत, तो वो यदि ज्वारी के आटे में पिसवाने से पहले ज्वारी में मिलाते हैं तो उसका लेने से उससे अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं। वो भी नाश्ते में ले सकते हैं, थोड़ा सा मान लो चटनी के साथ, या कोई यदि दूध ले सकते हैं तो वो ऐसे नाश्ता होना जरूरी है। दोपहर के भोजन में भी दाल का होना बहुत जरूरी है, तो ऐसी सब्जी बनाए कि जिसमें दाल हो। और जैसे अभी ये तो गांव की बात हो गई, लेकिन शहरों में भी जब ऐसी औरतें कभी टिफिन ले जाते हैं तो जो रोटी सब्जी भी बनाते हैं तो उसमें दाल होना चाहिए, या बेसन होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, या जो हम जो आटा गूंदते हैं गेहूं का तो वो दूध में ही गूंदे, या सब्जी में थोड़ा दूध पाउडर का प्रयोग करें। तो ऐसे कुछ करने से, क्योंकि ज्यादा खाया नहीं जाता है, तो ऐसे कुछ करना चाहिए जो संभव है। नाश्ते में मैं समझती हूँ कि उबला अंडा भी खाया जल्दीबाजी में, उबला अंडा हो गया, एक केला हो गया, थोड़ा सा दूध लेना बहुत जरूरी है, और कहीं भी शक्कर डालने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यदि नौशियाटिक फीलिंग है ये है तो नींबू पानी भरपूर पिए, कभी चाट मसाला डाल के कुछ खा सकती है कि जिससे खाने की इच्छा बढ़ती रहे। और यदि बहुत ही नौशियाटिक है तो थोड़ा अदरक के रस में नींबू और नमक डाल के वो थोड़ा सा आधा चम्मच दिन में 2-3 बार लिए तो भी भूख अच्छी लगती है और खाना भी जाता है। तो गर्भावस्था में 9 महीने में बराबर वजन बढ़ना चाहिए। और आजकल जो हम देखते हैं शहरों में कि गर्भावस्था में डायबिटीज की मात्रा प्रमाण बढ़ रहा है, और यदि गर्भावस्था में डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, डायटिशियन के पास ही जाना चाहिए, और समय समय पर और एग्जैक्टली जो समय पे बताया वैसे ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि शुगर कम ज्यादा हो गई तो बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत असर होता है। कई बच्चे हैं कि जो जिनको दृष्टि ना हो सकती है, कोई दूसरे व्यंग हो सकते हैं, तो जो समय बताया है और लगातार मॉनिटरिंग करना है, यदि डायबिटीज है प्रेगनेंसी में तो लगातार उसका मॉनिटरिंग करना है, और अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है, कोई भी दूसरे जो डॉक्टर है उनके पास जाने के बगैर डायबिटोलॉजिस्ट के पास से ही उसकी, क्योंकि यदि इसमें ध्यान नहीं दिया तो बच्चे के ऊपर असर होगा, और फिर माँ को जिंदगी भर ऐसे बच्चे को संभालना एक बहुत परेशानी हो सकती है।
तो जो समय पे ही लेना है उसमें नाश्ते का समय निश्चित हो, नाश्ते का समय हो 8-8:30 बजे, दोपहर का भोजन हो 1-1.30 बजे, फिर शाम को हल्का नाश्ता लेना चाहिए जिसमें जैसा मुरमुरा चना बेल हो गई चिड़वा हो गया ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ जिसके साथ सब्जियों का सूप अवश्य ले। धान की लाई भी खा सकते हैं, इससे कैलोरीज नहीं बढ़ती है लेकिन भूख ये हो सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि गर्भावस्था में जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है तो 9 महीने अपना धीरे धीरे खाना भी बढ़ाना चाहिए, और एक बार अवश्य डाइटिशियन से सलाह लेनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी रोटी की मात्रा, बाजरे की रोटी ज्वारी की रोटी की मात्रा और थोड़ा चावल भी बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे जैसा, और वजन हर महीने में बढ़ता है कि नहीं ये देखना जरूरी है, नहीं तो पूरा जांच करवानी चाहिए डॉक्टर से। तो जो खाने का प्रमाण है वो बढ़ना है हर महीने में, जो पहले से खा रहे थे उतना ही खाने से तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे और जो खाना रहेगा वो भी परिष्कृत ना हो, मतलब प्रोसेस किया हुआ ना हो, घर का ही खाना खाए। सबसे जरूरी बात होती है कि गर्भावस्था में महिला को प्लीहा नहीं होना चाहिए, मलेरिया और प्लीहा ये दो चीजें, ये दो बीमारी यदि परेशानी, क्योंकि अस्वच्छ हो आजू बाजू के घर के आजू बाजू में या घर में भी सफाई ना हो तो ऐसा हो सकता है कि मच्छर बढ़ सकते हैं तो मलेरिया हो सकता है। माता और शिशु के पोषण के विषय में बातचीत कर रहे थे। गर्भावस्था में माँ का पोषण सही हो तो सही बच्चा पैदा होता है, और मैं तो ये समझती हूँ कि गर्भ रहने के पहले पति पत्नी दोनों ने ही 3 महीने आहार नियोजन करना चाहिए और फिर उसके बाद बच्चे के लिए सोचना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों ही सशक्त और सुदृढ़ हो, और जब इनका इनके आहार में प्रतिदिन दाल हो, प्रतिदिन सब्जी हो, प्रतिदिन दूध हो या दही हो, प्रतिदिन नींबू भरपूर हो, थोड़े से मूंगफली दलिया ऐसी चीजें हो, तो ये काफी हद तक सशक्त है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए, शरीर के जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है, हमारा लिवर है, किडनी है, हृदय है, पेट है, मस्तिष्क है, खून है, तो ये सबके लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता रहती है, पर वो आहार द्वारा ही लेना है।